चैप्टर 9 हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम लोग दोस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल मेटल आइटम के पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वह कंपाउंड है जो सेंट्रल मेटल आइटम से या सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ एक निश्चित नंबर ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, तो वही हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल नंबर 1, CuNH3 4 का 2+, ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सेंट्रल मेटल आइटम है हमारा कॉपर 2+ और NH3 अमाइन है। NH3 को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, अमाइन। तो इसके पास एक लोन पेयर, यही लोन पेयर क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट करेगा। ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है तो डोनर आइटम कितना है, एक डोनर आइटम, दो डोनर आइटम, तीन डोनर आइटम, चार डोनर आइटम, चार को डोनेट कर रहा है कॉपर 2+ को अपना लोन पेयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। FeCN का होल 6 4-, Fe आयरन हमारा क्या, सेंट्रल मेटल आइटम और साइनो ग्रुप हमारा क्या है, लिगेंड, और ये 6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है और 4- क्या हमारा सेंट्रल मेटल आइटम का चार्ज। तो साइनाइड के पास कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास क्या है, एक लोन पेयर, और नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर। तो सेंट्रल मेटल आइटम हमारा Fe2+ है और डोनर आइटम क्या है, कार्बन, यहाँ भी डोनर आइटम कार्बन, यहाँ भी डोनर आइटम कार्बन, यहाँ भी क्या है, डोनर आइटम कार्बन, जो एक एक लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट। CuNH3 का होल 4 SO4, Cu कॉपर हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम, NH3 हमारा लिगेंड है जो लोन पेयर को डोनेट करता है, ये जो 4 हमारा वो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंड का संख्या, और जो घर के बाहर है वो क्या है, SO4, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उसका सेंट्रल मेटल आइटम और लिगेंड को एक साथ क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिस घर में रहता है उस घर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंट्रल मेटल आइटम या सेंट्रल मेटल आयन का जो जुड़ा हुआ है एक फिक्स नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल से, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल मेटल आइटम या सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी से जो जुड़ा हुआ है फिक्स नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल से, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम या आयन। सेंट्रल मेटल आइटम या सेंट्रल मेटल आयन बिहेव्स एज, सेंट्रल मेटल आइटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। सेंट्रल मेटल आइटम हमारा लेविस एसिड होता है। सेंट्रल मेटल आइटम हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोमिस इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है वही हमारा